नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शांकी विज और आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस के बारे में, यानी कि आम भाषा में बात करूं तो जोड़ों के दर्द के बारे में, क्योंकि आर्थराइटिस काफी तरह का देखा जाता है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस के बारे में, जिसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई जिसके नियमित रूप के इस्तेमाल से आपके जोड़ों के दर्द में आपको काफी आराम महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब हम एक नई गाड़ी खरीद कर लाते हैं तो वो कुछ समय तक बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, उसके सारे छोटे छोटे पुर्जे बहुत अच्छे से काम करते हैं, पर जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती रहती है वैसे वैसे उस गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। गियर ठीक से चेंज नहीं होता, क्लच प्लेट खराब हो जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। सेम चीज हमारे शरीर के साथ भी है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में ऐसी छोटी छोटी चीजें लगी है जिनका हमारे शरीर को बड़ा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, जैसे जैसे हम हर साल अपना बर्थडे मनाते रहते हैं, वैसे वैसे वो जो छोटी छोटी चीजें लगी हैं वो उनकी एफिकेसी खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि वो अपने 100% से जो काम कर रही थी जब हम पैदा हुए थे, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं उनकी एफिकेसी खत्म होती रहती है। सेम चीज जॉइंट के अंदर भी, किसी भी जोड़ में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लगी हुई हैं जिनका एफिकेसी धीरे धीरे विद एज खत्म होती रहती है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं। मान लीजिए आपका घुटने का जोड़ है, घुटने का जोड़ है, तो ये ऊपर की हड्डी है, नीचे की हड्डी। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि हड्डी के अंदर एक, ये ऊपर की हड्डी के नीचे भी एक मेम्ब्रेन लगी हुई है और नीचे की हड्डी के नीचे भी एक मेम्ब्रेन कार्टिलेज लगी हुई है। ये कार्टिलेज बेसिकली एक तरह से काम करती है कि अगर हड्डी आपके ऊपर जोर से आपने जंप मार ली तो ये आपस में टकराए, तो हड्डी आपस में ना टकराए, तो ये दोनों के बीच में एक कुशन बना रहा है। जब आप चलते हैं तो ये ऐसे ऐसे मूव करती है, तो ये जो कुशन है ये आपस में रगड़ खाते हैं, पर लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है जिसकी वजह से, जैसे गाड़ियों में ग्रीस लगा होता है, ऐसे दो घुटनों के बीच में ये ग्रीसिंग मटेरियल होता है जो कि एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, वो निकालता रहता है, भरता रहता है, साफ करता रहता है, वो चीज एक ग्रीस की तरह काम करती है। तो कभी भी आपने नोटिस किया हो, आपने अपने, अगर आप किसी डॉक्टर को दिखा चुके हैं अपने एक्सरे का रिपोर्ट और डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, तो इसका मतलब वो आपको बोलेगा कि, अगर आप आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो डॉक्टर ने आपको जरूर बोला होगा कि आपके जो शरीर के अंदर जो पानी है ना वो खत्म हो गया, जो घुटने में पानी होता है वो खत्म हो गया। तो पानी बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि एक एक फ्रिक्शन ना पैदा हो और स्मूथनेस रहे, ग्रीस की तरह काम करता है और आपका जॉइंट जो है वो ठीक से काम करता रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे अपनी एफिकेसी खोती रहती है, तो साइनोवियल फ्लूइड बनना खत्म हो जाता है। तो जब साइनोवियल फ्लूइड बनना खत्म हो जाता है तो क्या होता है, जो कुशन की मैंने बात की थी, कार्टिलेज की बात की थी, वो कार्टिलेज आपस में टकर खाती है। फिर जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो वो आपस में रगड़ खा खा के वो कार्टिलेज डैमेज होती है। तो ये एक साइकिल है, पहले वो मेम्ब्रेन बंद हुई, फिर कार्टिलेज आपस में रगड़ खाने से वो कार्टिलेज डैमेज हुई, फिर हड्डी आपस में टकराना स्टार्ट हो जाती है और फिर धीरे धीरे आपके जो है मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक साइकिल है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की जरूरत है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव कंडीशन है। डीजनरेटिव कंडीशन का मतलब है यानी कि जितना डैमेज हो गया उस चीज को आप रिकवर नहीं कर सकते, आप बस उसको मेंटेन कर सकते। कोई भी, अब सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या चीज को मेंटेन करना है, सिम्टम्स क्या आते हैं। डेफिनेटली जब आप आपके ये कार्टिलेज आपस में रगड़ खाएंगे तो आपको दर्द होगी। अब दर्द होगी, दर्द के साथ साथ क्या होगा, जब दर्द होता है तो दर्द शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। दर्द होता है वो दिमाग को सिग्नल होता है यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो दिमाग की आर्मी को वहां भेजता है, दिमाग शरीर की आर्मी को उस जोड़ पे भेजता है और जोड़ को बोलता है, वहां पे आर्मी कैंप इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके वहां पे सूजन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पहला सिम्टम आएगा आपको दर्द, दूसरा आएगा सूजन। अब सूजन होने के साथ साथ क्या होगा, आपका जोड़ जो है वो अकड़ जाएगा। ये अकड़न जो हो रही है ये काफी चीजों से अफेक्ट हो जाती है, ठंड से अफेक्ट हो जाती है, बारिश होने से अफेक्ट हो जाती है, गर्मी से अफेक्ट हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये अकड़न को ठीक कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। तो ये चीज है। तो पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग और छूने पे टेंडरनेस, यानी कि आप घुटने को बाहर से छुएंगे भी तो भी आपको दर्द का एहसास होगा। तो ये
क्योंकि एक डिजेनरेटिव कंडीशन है, तो आप इसको, इस कंडीशन को रिवर्स नहीं कर सकते। अगर इस कंडीशन को भी या ऐसी बहुत सारी कंडीशंस को जो डिजेनरेटिव है उनको हम रिवर्स कर सकते होते तो हम कभी बूढ़े नहीं होते, हम हमेशा जवान रहते। तो ये एक एजिंग प्रोसेस है। तो आप जब भी बर्थडे मनाएं तो आप ये सोच लीजिए कि आपका शरीर का कुछ हिस्सा जो है वो अब कमजोर पड़ गया है पिछली बार के मुकाबले। अब ये किन लोगों में ज्यादा देखा जाता है? देखिए, ये इसका कुछ स्पेसिफिक कॉज नहीं किन लोगों में ज्यादा देखा जाता है, पर लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे इसके होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। अब एक बार ये स्टार्ट हो गया तो ये स्टार्ट ही रहेगा, ये आप इसको रोक नहीं सकते, आप बस इसको, इसकी स्पीड को धीरे कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट मेजर जो इसका कॉज होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होने का, वो होता है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो मोटापा है या जो भी आपके जॉइंट्स हैं आपके शरीर में लगे हुए, वो आपके वजन को साथ में लेके चल रहे हैं। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, यानी कि इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए दिया हमने एक इंजीनियर को, इंजीनियर ने बोला चार पिलर खड़े कर दो, चार पिलर जो है इसके अंदर जो आप सामान भर रहे हो, ये सामान सिर्फ चार फ्लोर को ही कंट्रोल कर सकता है, यानी कि सपोर्ट कर सकता है। पर आप लालच में आके आप उसमें आठ फ्लोर बना देते हैं, जब वो आठ फ्लोर बना देते हैं तो जो नीचे वाले पिलर है उस पर इतना प्रेशर है कि वो कभी भी हल्के से इंपैक्ट से भी डैमेज हो जाएगा। तो जब आपका वजन ज्यादा है तो आपके जॉइंट्स पे अननेसेसरी का प्रेशर है, तो आपके जो कार्टिलेज है वो कोशिश भी कर रहा होगा ना दूर करने की, तो ये ना चाहते हुए भी आपस में टकराएंगे, और जितना मर्जी फ्लूइड रहने दो इसमें, ये आपस में टकरा के आपकी कार्टिलेज को डैमेज करेंगे और इवेंचुअली जो है वो आपकी हड्डियां आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। इसका आउटकम बहुत ही सीवियर हो सकता है, आपको जॉइंट रिप्लेस कराना पड़े और आपको हिप रिप्लेस कराना पड़े, क्योंकि यही दो मेजर जॉइंट्स हैं जहां पे आपका वजन सबसे ज्यादा टारगेटेड होता है, यानी कि आपका शरीर के ये दो जोड़ जो है ये आपके वजन को संभाल के चलते हैं। तीसरा मेजर जो कॉज होता है वो मेजर कॉज होता है कि आपकी आपकी ऑक्यूपेशन ऐसी है, जैसे फार्मर्स है, अब फार्मर्स को बार बार झुकना उठना पड़ता है, झुकना उठना पड़ता है, या आपकी सिटिंग जॉब है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप पैर को बस ऐसे रख के बैठ गए, आप हिला नहीं रहे, कुछ भी मोशन नहीं कर रहे और एक ही जगह पे आपका पैर पड़ा है, या फिर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आप फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं, तो आपके जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका ओवर यूज हो रहा है, ओवर सिक्रीट हो रहा है वो, तो जो मेम्ब्रेन है वो जल्दी थक रही है और जल्दी बीमार हो जाएगी और जल्दी खत्म हो जाएगी, तो वो फ्लूइड बनाना बंद कर देगी। तो जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज करना अच्छा होता है जॉइंट्स के लिए, पर लेकिन ओवर एक्सरसाइज, फुटबॉलर्स बहुत भागते हैं, बहुत छलांगे मारते हैं, पर लेकिन उनके अंदर ओवर यूज हो रहा है जॉइंट्स का, इसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई जिसके रेगुलर यूज से आपकी जो ये साइकिल स्टार्ट हो गई है वो साइकिल काफी स्लो हो जाएगी। दवाई का नाम है एडवेंट कंपनी की ऑस्टोडेन जी। ऑस्टोडेन जी के अंदर तीन शीशियां आती हैं, एक बड़ी शीशी खाली शीशी होती है और दो छोटी शीशी होती है। आपको करना क्या है, वो बड़ी शीशी के अंदर वो दोनों छोटी शीशी को मिक्स कर देना, और अगर आपके सिम्टम्स आ गए हैं, अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है रेगुलरली, तो आपको सुबह शाम सुबह आधे कप पानी में, आधे कप हल्के कोसे पानी में 20 से 25 बूंदे मिलानी है और वो आपको सुबह शाम देना है, यानी कि आप सुबह के टाइम पे आधे कप पानी बनाएं, उसके अंदर 20 से 25 बूंदे डालें और वो पानी पूरा पी लीजिए, फिर रात को सोने से पहले आधे कप पानी ल्यूकवॉर्म वाटर में बनाएं, 20 से 25 बूंदे डालें और वो पानी पी लीजिए। इससे आपका होगा क्या कि आपके जॉइंट के अंदर जो भी स्वेलिंग है, आपके जॉइंट में बहुत ज्यादा दर्द है, आपकी जॉइंट में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, तो आपके जॉइंट्स काफी आराम महसूस करेंगे। पर लेकिन ये दवाई वो लोग भी ले सकते हैं जो लोग अभी इन सब सिम्टम से नहीं गुजर रहे हैं, यानी कि अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो ये दवाई को दिन में एक बार तो अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि इससे होगा क्या, जो आपके शरीर के अंदर जो जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो लिक्विड है, जो ग्रीस है, वो बना रहेगा, जो स्वेलिंग है वो नहीं आएगी, जो पेन है वो कम होगा, यानी कि आपका जो प्रोसेस है जो स्टार्ट होना था वो नहीं हो पाएगा या डिले हो जाएगा स्टार्ट होना। ऐसे में आपको ये चीज भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप जाके पहले एक एलोपैथिक डॉक्टर से जाके पेन किलर्स ले लीजिए फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए पेन किलर्स खाना जरूरी हो जाता है क्योंकि दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। जब आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं तो आप साथ में होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी और एलोपैथी का काम करने का तरीका दोनों अलग है। तो आप अपने एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए और एक पेन किलर लिखिए और कोशिश करिए। देखिए, पेन, बुखार, स्वेलिंग, ये हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। जितना ज्यादा आप कंट्रोल कर पाएंगे, जितना ज्यादा आप सह पाएंगे, उतना ज्यादा आपके शरीर के लिए अच्छा है।
पर लेकिन अगर आपसे सहन नहीं हो रहा है तो आपको पेन किलर खाने की जरूरत है, दिमाग में रखते हुए कि पेन किलर्स का असर आपके लिवर और किडनी पे भी होता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस ऐसी काफी ज्यादा आर्थराइटिस के ऊपर मैं सिम्टम वाइज उठा रहा हूँ, क्योंकि होम्योपैथी में सिम्टम के बेस पे दवाई दी जाती है। तो अब जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आर्थराइटिस की एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपको सिम्टम्स के बेसिस पे दवाई दूंगा कि ये अगर आप ये सिम्टम आ रहे तो ये दवाई ले लो, अगर आप ये सिम्टम आ रहे तो ये दवाई ले लो। आशा करता हूँ आपसे अगली बार भी जरूर मुलाकात होगी। नमस्कार।